हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत जैन। आज मैं एक ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो कि काफी अच्छा ग्रो कर रही है और इनके ऑर्डर्स भी काफी अच्छे हैं और प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। चलिए मैं इसी के बारे में बात करूंगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए, ये कंपनी है अशोक लीलैंड लिमिटेड। आपको तो पता ही होगा, ये ट्रक्स बनाती है और बसेस भी बनाती है। काफी अच्छा इनका सेक्टर है और ये दिक्कत है इस सेक्टर के लिए, और काफी बड़े पैमाने पे इनको ऑर्डर्स भी मिले हैं। और अभी हाल ही में इनको इलेक्ट्रिकल्स बस के ऑर्डर मिले हैं गवर्नमेंट से, ताकि जो अभी इलेक्ट्रिकल्स का बूम चलने वाला है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, जो उसी के तहत इन्हें बसों का भी ऑर्डर गवर्नमेंट से मिला है और आने वाले समय में इनको काफी अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसका जो 52 वीक लो है 81 का है, 136 का इसका हाल ही में इसने बनाया था। और मैं इनका चार्ट दिखा लेता हूँ, ये देखिए। इसका जो लो था लगभग अप्रैल में था लास्ट ईयर, और डिविडेंड भी देती है, अच्छी खासी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और अभी इसने इसका चार्ट देख लिए, ग्रो काफी अच्छा कर रहा है और हाल ही में इनके डिमांड इज ग्रोइंग टू बी गुड टिल एंड। अशोक लीलैंड कह रहे हैं कि ये साल काफी अच्छा रहने वाला है, और ऑटो एक्सपो था और इलेक्ट्रिकल बस का भी इनका मीन्स वहां पे डेमो दिखाया था इन्होंने। और इसका जो मार्केट कैप है 39,000 करोड़ का है, और इसका प्राइस टू बुक 5.58 का है, पे वैल्यू 1 रुपए का है, डिविडेंड कंटिन्यूस देती है, मीन्स कंपनी काफी अच्छी है। इसके फाइनेंशियल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका जो नेट सेल दिसंबर क्वार्टर का था 7113, मीन्स बड़ा है जो दूसरे क्वार्टर्स थे उससे काफी ज्यादा है। और जो इनका जो नेट प्रॉफिट है 449 करोड़, मींस प्रॉफिट बढ़ रहा है इनका और ग्रोथ कर रही है कंपनी। डेप्थ धीरे धीरे कम हो रहा है, 1344 करोड़ का डेप्थ है और टोटल असेट 7471 करोड़ के हैं, मींस डेप्थ तक कम है, धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। और इनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बता देता हूँ, 45% की इनकी शेयर होल्डिंग है और 54 पब्लिक और एफआईआई की है, और म्यूचुअल फंड वालों ने भी काफी अच्छा इस स्टॉक को खरीद कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए। डीएसपी, ब्लैक रॉक, स्मॉल एंड मिड कैप फंड, ये मिड कैप का स्टॉक है। कोटेक महिंद्रा ने भी खरीदा है, रिलायंस, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, मीन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस कंपनी के स्टॉक खरीदे है, तो इसके फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे है और आने वाले समय में ग्रोथ काफी अच्छा होने वाला है। और काफी बसेस के ऑर्डर्स हैं और आगे जाके ट्रक्स भी इलेक्ट्रिकल्स के बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और जो दौर आने वाला है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को, ये कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और काफी ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। मीन्स आने वाले समय में इस कंपनी को इतना प्रॉफिट होगा कि ये मल्टीबैगर भी बन सकता है। और अभी जो चल रहा है वो 133 के हाई लगा के थोड़ा डाउनफॉल आया था, मार्केट करेक्ट हुआ उसी के हिसाब से। अगर आपको ये स्टॉक लेना है तो और मार्केट ट्रेंड देख लीजिए आप, अगर और नीचे आता है तो करीबन 110 से 120 के बीच में ठीक रहेगा। अगर ये आता है तो उस टाइम पे खरीदने के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि आप देख लीजिए अक्टूबर से ये 110 के नीचे आया नहीं है, 112 113 आता है फिर ऊपर जाता है, मीन्स 110 120 के बीच में बाइंग अपॉर्चुनिटी इसकी काफी अच्छी बनती है। और आगे जाके ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो ये शॉर्ट टर्म में भी टारगेट आपको 140 से 150 तक, 150 का आप रखिए, और लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी अच्छा ही है, आप होल्ड कर सकते हो, 200 प्लस भी जा सकता है, और ज्यादा साल के लिए आप रखेंगे तो मल्टीबैगर भी बन सकता है, क्योंकि आगे जाके ऑर्डर्स के भी इनको मीन्स रेवेन्यू आएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। अगर आप इसे लेते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, काफी अच्छा स्टॉक है, लेकिन थोड़ा और करेक्ट अगर होता है तो उस टाइम पे लीजिए, ताकि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट भी काफी अच्छा मिले और शॉर्ट टर्म में भी मिल सकता है काफी अच्छा। चलिए, आज मुझे इसी के बारे में बताना था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।